हमारे लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें। वेलकम, वैशाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस कॉम्बिनेशन यानी वाक्यों को जोड़ना, इसमें एस इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ये एक सीरीज चलेगा, इसमें आगे आने वाले वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगे। अगर आप लोगों का इसी तरीके से प्यार सहयोग मिले, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए, ये सेंटेंस लिंकर्स जो है, इसका एक और नाम है सेंटेंस लिंकर्स। लिंक करने का मतलब जोड़ना। नहीं बोलते बैंक वाले जब कभी जाते हो आप तो बोलते आज लिंक फेल है, यानी उनके उनके साथ संपर्क जो है आज टूटा हुआ है, बैंक का जो होता है ना सर्वर से। तो उसी तरीके सेंटेंस को लिंक करता है, सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब भी होता है जोड़ना, जैसे चार्ज में कनेक्टर होता है ना, तो कनेक्टर कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट से कनेक्टर बने नहीं जोड़ने वाला। और एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, कंबाइन द सेंटेंसेज पूछा लगेगा, यही लिखा हुआ सवाल परीक्षा में आता है। तो आप जान लीजिए, कहने का मतलब है 100 की सीधी एक बात कि हम लोग कंबाइन द सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये टाइप वन है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए हम केवल एक बार में केवल एक ही चीज़ बताएंगे। हम सबसे पहली बात तो आपको याद रख लेना है ये कि पास्ट की दोस्ती पास्ट के साथ होती है। ये याद रखना है कि कभी भी अगर पास्ट दिया रहेगा किसी एक तरफ तो दूसरी तरफ भी पास्ट ही होगा, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक ही टाइप के टेंस के दो सेंटेंस अगर दिए रहे हो, अलग अलग दिए हो, तब दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ा जाता है। ध्यान रखा जाए कि एक ही टाइप के, जैसे देखिए एक ही टेंस के, यानी एक ही टाइप के टेंस, यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है पहला, देखिए वेंट है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सॉरी मेरे माफ़ कीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए पास्ट इंडिफिनिट है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी टू है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडिफिनिट है। तो दोनों तरफ एक ही टेंस है ना। देखिए, जब एक ही टाइप के टेंस हो तो हम लोग किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे जब एक ही टाइप के टेंस हो तो इन इन दो सेंटेंस जो दिए गए रहते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एंड से जोड़ते हैं। तो सिंपल है ना, मैं बाजार गया, मैंने सब्जियाँ खरीदी, तो क्या हुआ, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट और मैंने सब्जियाँ खरीदी, एंड आई वेंट एंड आई बॉट वेजिटेबल्स। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी आप जब एक बार आप जब नाउन या प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, खासकर प्रोनाउन का जब यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, है ना। तो जब आप एक बार आई यूज़ कर लिए तो दोबारा इसको आई नहीं यूज़ करें। जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन मान लिया जाता है ना टू और फिर ब्रैकेट में, उसी तरीके से इसको आई को आप कॉमन मान लीजिए कि हाँ यहाँ से ये सामान्य हो गया, ये यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए, दोनों के लिए ये यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करते यहाँ तक समझे होंगे आप। चलिए दूसरा, उसी तरीके से ये दूसरा वाक्य है, देखिए ही केम यस्टरडे, यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट, और यहाँ पर भी देखिए टोल्ड है, बिना वाज वेयर के जब कुछ हो तो जान ही रहे, जब बिना सहायक क्रिया का होता है तो इंडिफिनिट में रहता है ना। तो ये देखिए केम है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट, टोल्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। तो दोनों जब एक ही टाइप का हो गया, यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि जब एक ही टाइप के सेंटेंस टेंस के दो सेंटेंस दिए गए हों तब दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए ही केम यस्टरडे, वह कल आया, राम टोल्ड मी समथिंग, राम ने मुझसे कहा। तब हम लोग अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, राम ने मुझसे कहा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, और वह कल आया, ये अजीब सा हो जा रहा है। हाँ, ये भले बोल सकते हैं राम कल आया और मुझसे कुछ कहा। तो राम नाम के बदले, ऐसे भी याद रखिए कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन हो अगर किसी भी दो वाक्यों में, तो पहले हम लोग संज्ञा को लेते हैं उसके बाद ना सर्वनाम आता है। आप ग्रामर की किताब अगर याद ना हो तो ऐसे याद रखिए कि ग्रामर की किताब में पहले संज्ञा दिया रहता है उसके बाद सर्वनाम दिया रहता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पहले संज्ञा तब सर्वनाम। तो भैया यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा क्या है, नाम है। अगर कोई पूछे व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज ए नेम, बस, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। संज्ञा क्या है, तो संज्ञा नाम है किसी भी चीज़ का। तो उसी तरीके से यहाँ पे संज्ञा नाम एक है राम, उसके बदले ही आ रहा है सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो आता है वो, है ना। तो पहले संज्ञा को लेंगे, तो यहाँ राम है तो पहले राम को ले लिए, राम केम यस्टरडे, राम कल आया, और दो सेंटेंस एक ही टाइप का है इसलिए एंड
एंड से जोड़े और उसके बाद जो बच गया वो, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का तो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉमन हो गया ना यहाँ पे, पहले ही बताया मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, टोल्ड समथिंग, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाय।